नमस्ते स्टूडेंट्स, आई जे वी एन इंदू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, जयोति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। टुडे आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केवीएल। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस द टाइप टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। टाइप टू न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें वोल्टेज सोर्सेस प्रेजेंट होंगे, रेजिस्टेंसेस अवेलेबल रहेंगे, करंट सोर्स अवेलेबल रहेगा बट वो आउटर लूप में अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हमें एक सर्किट गिवन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, जिसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, वोल्टेज सोर्स नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंसेस हैं और करंट सोर्स दिख रहा है जो कि आउटर लूप में है। करंट सोर्स का आउटर लूप में होने का क्या मीनिंग है कि ये जो करंट सोर्स है वो किसी दूसरे मेश के साथ शेयरिंग नहीं हो रहा है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द करंट इन द ए बी ब्रांच यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। हमें ए बी ब्रांच के अंदर करंट फाइंड आउट करना है मेश एनालिसिस मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लोग ये जो सर्किट डायग्राम हमें गिवन है वो ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितने नंबर ऑफ मैसेज प्रेजेंट है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मैसेज प्रेजेंट है, 1 2 3, टोटल 3 मैसेज प्रेजेंट है। तो हमने लिख दिया देर आर 3 मैसेज प्रेजेंट इन द गिवन सर्किट। उसके बाद में क्या करेंगे, इंडिविजुअल मेश के अंदर हम लोग करंट का डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि हर एक इंडिविजुअल मेश के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। देन उनका नेमिंग कर दिया, मेश वन में I1 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, मेश टू में I2 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मेश थ्री के अंदर I3 करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, मेश वन में KVL अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं जो 10 वोल्ट है I1 जो करंट फ्लो हो रहा है मेश वन में, वो 10 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है, मीन्स ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज राइज का कंडीशन आ गया। तो हमारा जो 10 आएगा वो प्लस का 10 आएगा, माइनस 1 ओम के एक्रोस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V=IR होगा। तो R कितना है 1 और I कितना है I1, और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मतलब कि वोल्टेज में डिक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स उससे पहले साइन किसका लेंगे, माइनस का। तो माइनस 1 इंटू I1। नेक्स्ट आगे क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू दो करंट फ्लो कर रही है, एक तो I1 करंट है जो डाउनवर्ड जा रहा है और एक I2 करंट है जो अपवर्ड जा रहा है। तो जो 5 ओम रेजिस्टेंस में जो रिजल्टेंट करंट फ्लो हो करेगा वो I1 और I2 का रिजल्टेंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या लिख दिया, हमें पता रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप के लिए हम लोगों ने माइनस का साइन लिख दिया, लगा दिया। देन 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। जिस मेश के अंदर हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं उस मेश में कौन सा करंट हम लोगों ने कंसिडर किया है वो उसको हम रेफरेंस मानेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, और उसमें से जो दूसरा करंट फ्लो कर रहा है उसको उस ब्रांच के अंदर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस 5 ब्रैकेट I1 माइनस I2=0। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 1 इंटू I1 हो जाएगा, 10 माइनस I1 माइनस 5 I1 प्लस 5 I2=0। तो 10 माइनस I1 माइनस 5 I1 कितना हो गया, माइनस 6 I1 प्लस 5 I2=0। तो माइनस 6 I1 प्लस 5 I2, 10 को हम राइट साइड में लेके चले गए तो माइनस का 10 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 1, माइनस 6 I1 प्लस 5 I2=-10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो मेश 2 है उसके अंदर KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 I1 माइनस 10 ब्रैकेट I2 माइनस I3
माइनस फाइव ब्रैकेट आई टू माइनस आई वन इक्वल्स टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आई टू माइनस टेन आई टू प्लस टेन आई थ्री माइनस फाइव आई टू प्लस फाइव आई वन इक्वल्स टू जीरो। तो टू आई टू माइनस टेन आई टू माइनस फाइव आई टू टोटल कितना हो गया, माइनस सेवनटीन आई टू प्लस टेन आई थ्री प्लस फाइव आई वन इक्वल्स टू जीरो। तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, फाइव आई वन माइनस सेवनटीन आई टू प्लस टेन आई थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब देखिए मेश थ्री के अंदर, मेश थ्री के अंदर एक करंट सोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। तो जो करंट सोर्स है 3 एम्पीयर का, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। और मेश थ्री के अंदर हम लोगों ने कौन सा करंट कंसिडर किया है, आई थ्री, और उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। तो जो हमारा आई थ्री का वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस थ्री एम्पीयर, क्योंकि मेश थ्री के अंदर ऑलरेडी ये करंट सोर्स अवेलेबल है जो क्या है, 3 एम्पीयर का करंट सोर्स है, और जो कौन से डायरेक्शन के अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारा आई थ्री का वैल्यू भी क्या होगा, वही होगा, बट डायरेक्शन क्या है, हमने जो आई थ्री का डायरेक्शन कंसिडर किया है वो क्लॉकवाइज है, और जो गिवन करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थ्री का क्या वैल्यू आ जाएगा, माइनस थ्री एम्पीयर। तो हमें आई थ्री का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, जो आई थ्री का ये वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई थ्री इन द इक्वेशन टू, तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइव आई वन माइनस सेवनटीन आई टू प्लस टेन आई थ्री है, तो प्लस टेन इंटू आई थ्री का कितना वैल्यू है, माइनस थ्री, तो इंटू माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो फाइव आई वन माइनस सेवनटीन आई टू माइनस थर्टी इक्वल्स टू जीरो। तो फाइव आई वन माइनस सेवनटीन आई टू माइनस थर्टी को राइट साइड में लेके गए तो प्लस का थर्टी हो गया। तो फाइव आई वन माइनस सेवनटीन आई टू इक्वल्स टू थर्टी, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन वन है उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन थ्री है उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन वन कौन सा था हमारा, ये वाला इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव से। तो क्या आएगा, माइनस थर्टी आई वन प्लस ट्वेंटी फाइव आई टू और माइनस फिफ्टी। तो हमारे इक्वेशन वन क्या आ गया, माइनस थर्टी आई वन प्लस ट्वेंटी फाइव आई टू इक्वल्स टू माइनस फिफ्टी। अब जो इक्वेशन नंबर थ्री है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से। तो फाइव इंटू सिक्स कितना हो गया, थर्टी आई वन माइनस सेवनटीन इंटू सिक्स कितना हो गया, वन हंड्रेड टू आई टू इक्वल्स टू थर्टी इंटू सिक्स कितना हो गया, वन एट्टी। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का थर्टी आई वन प्लस थर्टी आई वन कितना बचेगा, जीरो आई वन, वन जीरो टू आई टू से ट्वेंटी फाइव आई टू माइनस करेंगे तो कितना हो बचेगा, माइनस सेवेंटी सेवन आई टू इक्वल्स टू वन एट्टी में से फिफ्टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना रहेगा, रिमेनिंग वन थर्टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सेवेंटी सेवन आई टू इक्वल्स टू वन थर्टी, आई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन थर्टी अपॉन सेवेंटी सेवन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस वन पॉइंट सिक्स एट एट एम्पियर। तो हमारा आई टू का कितना वैल्यू आ गया, माइनस वन पॉइंट सिक्स एट एट एम्पियर। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आया है आई टू का उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो हमें आई वन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन वन क्या था हमारा, माइनस सिक्स आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल्स टू माइनस टेन था। तो माइनस सिक्स आई वन प्लस फाइव इंटू आई टू का कितना वैल्यू आया हमारे पास में, माइनस वन पॉइंट सिक्स एट एट। तो वैल्यू आई टू का वैल्यू पुट कर दिया इक्वल्स टू माइनस टेन। तो माइनस सिक्स आई वन फाइव को जो माइनस वन पॉइंट सिक्स एट एट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस एट पॉइंट फोर फोर इक्वल्स टू माइनस टेन। तो माइनस सिक्स आई वन इक्वल्स टू माइनस एट पॉइंट फोर फोर को राइट साइड में लेके चले गए तो प्लस का हो गया ये। तो माइनस टेन प्लस एट पॉइंट फोर फोर ये कितना हो गया, माइनस वन पॉइंट फाइव सिक्स। तो माइनस सिक्स आई वन इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस वन पॉइंट फाइव सिक्स। तो आई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वन पॉइंट फाइव सिक्स बाय सिक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू सिक्स एम्पियर। तो आई वन का कितना वैल्यू आ गया, जीरो पॉइंट टू सिक्स एम्पियर आ गया है। अब हमारे पास में आई वन का वैल्यू भी आ गया है, आई टू का वैल्यू भी आ गया है, और आई थ्री का वैल्यू भी आ गया है। तो अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है,
जो एबी ब्रांच है उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए एबी ब्रांच के अंदर आई टू करंट फ्लो कर रहा है। अब हमने कंसिडर कर लिया कि जो एबी ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आई ए बी होगा, तो आई ए बी किसके इक्वल होगा, आई टू के इक्वल होगा, बिकॉज मैश टू के अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, आई टू करंट फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा ए बी ब्रांच में करंट फ्लो करेगा ना आई ए बी, वो किसके इक्वल होगा, आई टू के इक्वल होगा। सिंस करंट आई टू इज फ्लोइंग इन द ए बी ब्रांच, देयर फोर करंट इन द ए बी ब्रांच विल बी आई ए बी इक्वल्स टू आई टू। तो आई ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1.688 एम्पियर। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई टू डेज डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजोल्व इट ऑन द लाइव सेशन। थैंक यू।